जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकला है। जिन जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है आप सभी इस वैकेंसी को जरूर भरिए दोस्तों, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िए। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों एसएससी में अभी पुलिस का वैकेंसी आया है, दिल्ली पुलिस का, जिसपे ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हम फिजिकल बता देते हैं, ठीक है। इसका डेट कब तक है अप्लाई करने का पता है? 30 सितंबर 2023 इसका अंतिम तिथि है। अभी हम सारा ए टू जेड बताएंगे कि एज क्या चाहिए, अप्लाई कब तक होगा, अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा, योग्यता क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस सारा बताएंगे। सबसे पहले फिजिकल को समझते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि मेरा हाइट ही नहीं है तो हम क्या फायदा मेरा भर के, तो देख लो हाइट, चेस्ट, रनिंग कितना होगा। सबसे पहले इसी को समझते हैं, फिजिकल योग्यता। सबसे पहले ऊपर देख लीजिए कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अभी बहाली आई है, टोटल 7547 वैकेंसी है। कितना है? 7547। देखिए ऊंचाई की बात करेंगे तो 170 सेंटीमीटर मेल का और फीमेल का 157 सेंटीमीटर ऊंचाई कम से कम होना चाहिए। हाइट की बात कर रहे हैं, समझ में आ गया। छाती की बात करेंगे, चेस्ट कितना होना चाहिए तो 81 से लेकर के 85 सेंटीमीटर तक यदि आपका चेस्ट है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, भर सकते हैं। महिलाओं के चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। इसका लॉन्ग जंप आपका होगा, जिसको बोलते हैं लंबा छलांग जो कूदते हो ना, वो होगा 14 फीट आपको कूदना पड़ेगा। यदि आप पुरुष हैं तो 14 फीट कूदना होगा, यदि आप महिला हैं तो 10 फीट आपको लंबा कूदना होगा, ठीक है। ऊंची कूद की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं हाई जंप, ठीक है। हाई जंप में देखिए 3 फीट 9 इंच आपको कूदना होगा, हालांकि प्रैक्टिस का जरूरत है, बिना प्रैक्टिस का बिल्कुल नहीं होगा, और महिलाओं को 3 फीट ही कूदना है, ठीक है। दौड़ की बात करेंगे, इन्होंने रनिंग तो नहीं लिखा है, रेस लिखा है, ठीक है। तो 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर आपका रनिंग है, 6 मिनट पुरुष को टाइम दिया जाएगा और उतना ही दूर जो है महिलाओं को भी दौड़ना है, लेकिन इनको टाइम थोड़ा ज्यादा मिलेगा, 8 मिनट टाइम मिलेगा महिलाओं को। तो ये है इसका फिजिकल क्राइटेरिया, समझ में आ गया। तो देख लीजिए यदि आप एलिजिबल हैं तो फिर आगे आप वीडियो को देख सकते हैं, समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, तो 7547 इतना सीट है, ठीक है। तो इसमें महिला भी फॉर्म भर सकते हैं और पुरुष भी भर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों भर पाएंगे, ठीक है। उम्र सीमा कितना चाहिए, तो देखिए कम से कम आपका 18 साल फॉर्म भरने के लिए होना ही चाहिए, अधिक से अधिक 25 साल। ये हो गया जनरल कैंडिडेट का, ठीक है। जो जो ओबीसी हैं उनको 3 साल छूट मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 28 साल, 18 से 28। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो 5 साल का छूट मिलता है, तो कितना हो जाएगा 25 5 30। देखिए जनरल का 18 से 25, ओबीसी का 18 से 28, एससी एसटी का 18 से 30। ये है दोस्तों इसका एज लिमिट। अप्लाई करने में जो डेट है वो है आपका 30/9/2023, ये अंतिम तिथि है। 1/9 से स्टार्ट है, 1 सितंबर से फॉर्म चालू है, 30 सितंबर को खत्म हो जाएगा, समझ में आ गया। अप्लाई करने में 100 रुपए पेमेंट लगेगा जनरल ओबीसी एडब्ल्यूएस वालों को, बाकी एससी और एसटी और महिलाओं का पैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा फॉर्म भरने में, ठीक है। अब बात करेंगे योग्यता। योग्यता को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो दोस्तों योग्यता बताने से पहले आप लोगों को एक जरूरी बात बता देते हैं कि यदि आप एसएससी दिल्ली पुलिस की सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप एसके बुक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर के इसकी तैयारी कर सकते हैं। वहां पर दोस्तों एसके बुक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एसएससी दिल्ली पुलिस का दोस्तों डेली क्लासेस चल रहा है। इसके साथ साथ आपको वहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कहने का मतलब डिफेंस के साथ साथ दिल्ली पुलिस का भी आप वहां पर तैयारी कर सकते हैं। अनुभवी टीचर्स के द्वारा दोस्तों नए सिलेबस और नए पैटर्न के आधार पर डेली प्रैक्टिस कराया जा रहा है, अच्छे ढंग से समझाया जा रहा है, पुराने साल के पेपर्स को डिस्कस किया जा रहा है। तो एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लिंक में जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर आपको डेली क्लास मिलेगा, वो स्पेशल है क्लास के लिए, ठीक है। या फिर दोस्तों आप YouTube में भी सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो नीचे लिंक हम दे दिए हैं, सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, ठीक है। चलो अब बात करेंगे योग्यता क्या चाहिए, तो योग्यता चाहिए 12वीं पास। सभी 12th पास स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आपका DL भी मांगा है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए, तब आप फॉर्म को भर पाओगे,
समझ में आ गया। तो 12वीं के साथ साथ डीएल भी मांगा है भाई। सिलेक्शन का प्रोसेस देख लीजिए क्या होगा। सबसे पहले रिटर्न टेस्ट होगा, इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद डीवी होगा, इसके बाद मेडिकल होगा। तो पहला एग्जाम है, दूसरा में है फिजिकल, तीसरा में है कागज पत्र चेक होगा, चौथा मेडिकल है। तो फिजिकल तो हम आपको पहले ही बता दिए कि क्या क्या हाइट, कितना चेस्ट चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम का सिलेबस में क्या क्या है। देखिए एग्जाम का सिलेबस को भी समझना जरूरी है, तभी आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसे होता है ना कि क्या पढ़ें उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ें। सब पढ़ना शुरू कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो एग्जाम का जो सिलेबस है दोस्तों, एसएससी के द्वारा इसका एग्जाम लेगा। देखिए 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स होगा, 90 मिनट यानी पूरा डेढ़ घंटा आपको इस पे टाइम दे रहा है, ठीक है। 0.25 यानी 1/4 का इस पे माइनस मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग है। और आपका जो एग्जाम होगा दोस्तों वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, सीबीटी एग्जाम होगा। इस पे आपका पूछेगा क्या क्या, देखिए जीके और करंट अफेयर्स रहेगा 50 क्वेश्चन। तो जीके और करंट अफेयर्स का ज्यादा वेटेज है, यही आपका रिजल्ट निर्धारित करेगा। सबसे ज्यादा मार्क्स इसी पे है। रीजनिंग भी पूछेगा 25 क्वेश्चन रीजनिंग, मैथमेटिक्स से रहेगा 15 क्वेश्चन रहेगा, और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन रहेगा। तो 50 और 25 कितना हो गया 75, 75 और 15 90 और 10 100 क्वेश्चन हो गया, 100 मार्क्स। और हाँ, सभी विद्यार्थियों का कमेंट आता है कि सर ये दिल्ली पुलिस है तो मेरा नौकरी कहाँ मिलेगा। तो देखिए नौकरी मिलेगा आपको दिल्ली में। कहाँ मिलेगा भाई, दिल्ली में। एग्जाम कहाँ होगा, एग्जाम आप ऑल इंडिया में कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं। आप अपने राज्य के जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वहां पर एग्जाम सेंटर ले सकते हो, जो बड़े बड़े सिटीज हैं, ठीक है। तो आप अपने राज्य में एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपका जो नौकरी होगा वो दिल्ली में होगा, आपका ट्रेनिंग वगैरह दिल्ली में होगा, आपका जो फाइनल पोस्टिंग होगा वो भी दिल्ली में होगा। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोगों को पता है, हमारे देश की राजधानी है। तो यहीं पर आपका नौकरी होगा। और वेतन भाई मत बोलो, वेतन बहुत ज्यादा है, दिल्ली जैसे शहर का नौकरी है तो वेतन भी काफी बढ़िया है। तो आप लोग इसको भरिए, 30 तारीख से पहले फॉर्म को भर देना है सभी विद्यार्थियों को, ठीक है, 30/9/23। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सभी को, क्योंकि जो भी अपडेट वगैरह आएगा सारा हम चैनल पर ही आपको बता देते हैं। और हाँ, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा आप लोग अभी तुरंत, ठीक है, वहां पर इसका पीडीएफ भी हम शेयर कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे सारा चीज मैंने बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।